जंगल की हवा, मध्य मध्य धूप और इतना बड़ा जंगल। सो गाइज, गुड मॉर्निंग सबको और वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और आज हम लोग जाने वाले हैं सफारी करने, तो नीलांश भी आ गया है और बस हम लोग निकल रहे हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 6। हाय गाइस, और हम लोग की सफारी है, मतलब हम लोग की 6 बजे थी और हम लोग थोड़ा लेट हो जाएंगे 10-15 मिनट। काना इज ऑन, तो सब निकलते हैं फिर डायरेक्ट मिलते हैं सफारी में। बोल रहा था इसमें 4 जोन है, काना किसी मुक्की सारे, जिसमें आप 20% में लगभग 25-30 टाइगर का एरिया है, समझ रहे हैं। उन्हीं में से हम लोग 5% मिला है, 5-7 टाइगर का, उसी टाइगर लिए अपन लोग चेक करेंगे। और एक भी दिख रहा है कान्हा में टाइगर आपको, तो ये मान लीजिए कि हमने कान्हा की जंगल से एक हीरा का टुकड़ा निकाला। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं कान्हा नेशनल पार्क अंदर, जो मेन हमारी सफारी करनी थी अब हम लोग वो कर रहे हैं। और गाइड भैया का ये कहना है कि हम लोग जो जोन में जा रहे हैं वो है कान्हा जोन, जो मेन जोन है उस जोन में हम लोग जाने वाले हैं आज। रिजॉर्ट तक टाइगर आ जाते हैं, कल आवाज आई थी। टाइगर जो है अपन लोग जू में भी देख सकते हैं जी, मगर जंगल में जो नेचुरल जो दिखने का मजा वो अलग है, वो तो अलग है, जंगल का राजा। भैया कान्हा कितने उसमें फैला है, क्षेत्रफल कितना है इसका? कान्हा पूरा 2000 के लगभग में फैला, 2021। गेट कहाँ कहाँ तक है? बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है, मुक्की में, फिर जाके अपने खटिया गेट सबसे मेन है, उसके बाद पीछे तरफ सरी गेट है। अच्छा, भारत का दूसरा नंबर है। हाँ, पहला कौन सा है? कॉर्बेट। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना सुंदर माहौल है यहाँ पे, और ऐसी कोई जिप्सी पे हम लोग बैठे हैं जो कि पूरी ओपन जिप्सी है। भैया ने बोला है 20-25 मिनट में हम मेन कान्हा के जोन में पहुँचे। हाँ, डियर की संख्या 30-35 हज़ार है और टाइगर की संख्या 118 है। सही बात, तो अपन टाइगर के बारे में जान जाते हैं। बिल्कुल ठीक है भैया, जिप्सी आगे खड़ी हुई है, शायद उनको शेर दिखाया। सो गाइस, अभी हम लोग को खड़े खड़े यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। भैया बता रहे हैं लेपर्ड भी यही है। नहीं, फार्मर डियर कॉल किया होगा, ये डियर किया होगा इसलिए, क्योंकि टाइगर को देख के जानवर डर के अलर्ट होकर आवाज करते हैं। टाइगर का सबसे बड़ा दुश्मन है लंगूर, लंगूर पेड़ से देख के ही अलर्ट करते हैं, क्योंकि लंगूर और डियर की फ्रेंडशिप है, जहाँ डियर रहेंगे वहाँ लंगूर रहेगा, मगर लंगूर नहीं है अभी इसमें, और सोते भी बहुत है, रात भर सो जाते हैं, तो टाइगर शिकार करने का ज़्यादा आसान रहता है सुबह या रात को। सो गाइस, अभी कॉलिंग हुई थी एक जगह पे, मंकी कॉलिंग हुई थी, तो वहाँ पे हम लोग ने अपनी जिप्सी रोकी थी, तो शायद वहाँ पे टाइगर था। भैया मुन्ना टाइगर का क्या हुआ, ख़त्म हो गया वो? आप समझे टाइगर जो है मेरे नाम से ही था, मेरा नाम पकड़ था, मेरे नाम से ही रखा गया था। एक मिनट, मैं एक गाइड हूँ, मेरा ओपन नाम मुन्ना चलता है, और मुन्ना जो टाइगर है वो मेरे नाम से ही रखा गया था। क्या बात है, आपके लिए टाइगर जब तक नहीं दिखेगा समय तक पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग यार हमारे मेहमान हो भाई, कितने अच्छे हो ब्रो आप, कितने अच्छे हो ब्रो आप, जोर से बोला है ना ब्रो, कितने सुनैना का चांस लेंगे, टाइग्रेस नैना की बड़ी बेटी है, उसके बाद बजरंग का, उसके बाद नैना का एरिया, नैना के बाद नीलम जो मुन्ना की बेटी है उसका चांस लेंगे। इतने टाइगर मुन्ना ऐसा, मतलब भैया नाम सबके वो हैं क्या, डिसाइडेड ही हैं क्या? नहीं, जो टाइगर ज़्यादा दिखता है उसी का नाम रखते हैं। अच्छा, तो फिर कैसे पता चलता है आपको कि वही है? धारियों की पहचान में आ जाती है। और भैया ये नाम धारियाँ जो होती है ना, अलग अलग होती है, और टाइगर की धारियों से पहचान जाते हैं आप, ये वो है। गाइस कैसा लग रहा है आप लोग को जंगल में आके? बाबा जंगल बहुत अच्छा लग रहा है, जब समझ में आता है कि सिटी में इतना प्रदूषण हो रहा है। हाँ, और अब इतना हर जगह पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, और यहाँ देखो फिर कंजर्वेशन कितना अच्छा हो रहा है, कितना अच्छा है, जितनी फ्रेश एयर में घूम रहे हैं, तो जिस शहर में जैसे रहते हैं तो वहाँ पे इतनी फ्रेश एयर लेने नहीं मिल पाती है नॉर्मली, जितनी फ्रेश एयर यहाँ पे, इसलिए नेचर को बचा के रखो और पेड़ लगाओ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो देखो
गाइस एयर लेते हुए, फ्रेश एयर लेते हुए, ले फिर से ले एक बार वो मालूम मेरी। सो गाइस मेरा टाइगर दिख गया, मेरा जीवन सफल हो गया। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं करता नेचर के साथ बिल्कुल भी, जैसे अगर एक जानवर खत्म हो गया तो उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, फिर वो नेचर के हिसाब से चलेगा ना। जी हाँ, मतलब कुछ उसमें इंसानी दखल अंदाजी नहीं होगी। ना उसमें भी होता है, मतलब अगर बाई दफा टाइगर मर गया हाँ, क्योंकि कोई फाइटिंग में मार दिया तो टाइगर में टाइगर मेल मेल टाइगर के साथ उसका जो क्या होता है, हमारे यहाँ पूरे डॉक्टर टीम आएगी, उसके नाप तौल होंगे, फिर उसका पूरा पीएम बनेगा, उसके बाद उसका लास्ट में पूरा करके फोटो वोटो लेके लास्ट में उसको अंतिम संस्कार किया जाता है। जैसे बिया इंसानों का होता है उसी तरीके से किया जाता है, उसी परंपरा से किया जाता है ना। सो गाइज अभी आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन ली है यही सब मैं आपको देते जाऊंगा पूरे वीडियो भर में। बने रहे हमारे साथ, बने रहे टिंग टिंग, आपको पूरा काना का जंगल हम घुमाएंगे, एक्सप्लोर करवाएंगे। सो गाइज ऐसा है कि अभी हम लोग बहुत ज़्यादा कोर एरिया में आ चुके हैं, अब हम मेन काना के एरिया में आ चुके हैं, और मे भी बहुत सारे चांसेस हैं कि हमें आज टाइगर दिख जाए। गिराना बस नहीं गाइज, काना इज ऑन। सो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे काना के बीच में, एक एरिया है जहाँ पे सब लोग रुकते हैं, थोड़ा कैफेटेरिया टाइप का एक एरिया है, सेंटर पॉइंट करके कुछ है यहाँ का, तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह करते हैं। अब हम लोग नाश्ता करेंगे, पर अभी तक तो शेर दिखा नहीं, बट हाँ कि कॉलिंग बहुत सारी जगह हुई है, इसी का तो मजा है। हाँ कॉलिंग बहुत सारी जगह हुई है, दो तीन जगह बहुत ज्यादा चांसेस थे, बट इतना बड़ा जंगल है कि शेर कहीं बैठा है, कहीं छुपा है या कुछ है, तो वो दिखता नहीं है, बहुत ही रेयर रहता है कि दिख जाए। सही बात। सो गाइस फिर से हमारी राइड चालू हो चुकी है एक छोटे से ब्रेक के बाद, और एक मैंने छोटा सा व्लॉग बनाया है वहाँ पे अलग से म्यूजियम का, वो मैं अलग डालूंगा, और जो हमारी जो सफारी हो रही है, राइड हो रही है, इसका मैं अलग डालूंगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा है, वो बिल्कुल इत्मीनान से देखना, बहुत मजा आने वाला है उसमें। और क्यों भैया मैं ये पूछ रहा था, म्यूजियम में जो ढांचे रखे हैं बाघ के, वो रियल वाला है, रियल ढांचा है? हाँ रियल है, बहुत मस्त हाथी ये है, एक हाथी ये है, एक हाथी सबसे बेस्ट मेरे को भाई, सबसे एक मोर वाला पॉइंट अच्छा लगा था जो वाइब आती है। हाँ और एक हाथी ये भाई, गजब मजा आ गया देख के। हाँ कितना मस्त लग रहा है देखो, कल की हवा, मद्दी मद्दी धूप और इतना बड़ा जंगल, बट मजा आ रहा है घूमने में, धीरे धीरे मद्दी मद्दी धूप, दोस्तों की पलटन और मेरे व्लॉग। गाइज अगर मेरा व्लॉग आप लोग ने यहाँ तक देख लिया तो प्लीज यार भाई प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और बहुत सारी जगह ना वीडियो पे आवाज नहीं आएगी, बहुत धीरे बोलेंगे, क्योंकि जंगल में क्या होता है जब ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे डाउट रहते हैं कि हाँ यहाँ टाइगर दिखेगा, तब वहाँ पे हम बोल नहीं सकते, तो थोड़ा धीरे धीरे बात करनी पड़ गई हम लोग को वहाँ पे। सो गाइज फिर से हमें एक हिरण दिखता हुआ, तो गाइज अब हम लोग फिर से आगे बढ़ चुके हैं, और अब जिप्सी ही जिप्सी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारी मंजिल आने वाली है, बहुत पास में है। सो गाइज फाइनली फिर से हम लोग होटल अपने रिजॉर्ट वापस आ चुके हैं, और काफ़ी मज़ा आया सफारी करने में, बहुत मस्त नेचर के बिल्कुल पास, फ्रेश एयर और एनिमल्स, और ठीक है टाइगर नहीं दिखा, नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करेंगे, और बाकी बहुत मज़ा आया। अब होटल में थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर उसके बाद चेकआउट करेंगे, और अभी एक बार हम लोगों ने सोचा है कि क्यों हिमांशु फिर से पूल में एक बार पूल में जाने का हम लोगों ने डिसाइड किया है, फिर से पूल में जाएंगे, उसके बाद फिर निकल जाएंगे अपने अपने घर, आराम करेंगे, और फिर मैं डालूंगा फटाफट व्लॉग्स, एडिट करूंगा अभी घर जाके सारे व्लॉग्स, और दो तीन एपिसोड में डालूंगा, मतलब देखते हैं क्या होता है, किस हिसाब से डालूंगा। इस ट्रिप की एंडिंग है बहुत शानदार, और सारे ब्लॉग देखना, कमेंट करके बताना कि आपको हमारी काना ट्रिप कैसी लगी, और इसी के साथ हमारी काना की ट्रिप और हमारा ये ब्लॉग होता है।